नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और मैं प्रशांत पचौरी। शुरू करेंगे खबर फटाफट, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज बीके। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे और पहली बड़ी खबर झांसी से। झांसी में पुलिस अधिकारियों ने लगवाई कोविड वैक्सीन। 135 पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों का हुआ टीकाकरण। आईजी, एसएसपी, एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। और झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने किया पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण। परेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला आरक्षियों को लगन व मेहनत से प्रशिक्षण प्राप्त करने की दी सलाह। तो वहीं झांसी के दीनदयाल सभागार में स्वामित्व योजना के तहत भू स्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख हुआ वितरण। किले के 27,000 भू स्वामियों का हुआ घरौनी का वितरण। और मऊरानीपुर के ग्राम रतौसा में दो किसानों के घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और मोट के दसना गाँव में किसान मिलकर चलवा रहे 4 महीने से अपने खर्चे पर गौशाला। कई बार शासन प्रशासन से की अपील मगर नहीं मिला कोई सहारा। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी कर दिया अनसुना। करौंडा में विधायक जवाहरलाल राजपूत की अध्यक्षता में संपत्ति कार्ड घरौनी नक्शा किए गए वितरण। बोले कि इससे लोगों को घरों का मिलेगा मालिकाना हक। और वहीं पीड़ित आउटसोर्स कर्मचारियों ने झांसी ललितपुर सांसद पंडित अनुराग शर्मा को सौंपा ज्ञापन। 6 माह से नहीं दिया गया वेतन, कोरोना काल में पूरी निष्ठा से की सेवा और अब कर दिया बेरोजगार। और अब खबरें ललितपुर से, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु ललितपुर के ग्राम पाली के दानदाता दे रहे बढ़ चढ़कर स्वेच्छा राशि। नगर के अशोक कुमार व हरिराम सोनी ने 111,151 रुपए किए दान। और ललितपुर के नदीपुरा में रहने वाले एक परिवार पर बरपाया दबंगों ने कहर। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार व उसके परिजनों के साथ की मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 दबंगों को दबोचा। तो वहीं स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज विकास खंड बिरधा में ग्रामीणों को आवासीय डिजिटल अभिलेख घरौनी का वितरण का किया गया आयोजन। श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित जिले के अधिकारी रहे मौजूद। ललितपुर के बाहर में अंतरराज्यीय महिला दंगल का किया गया आयोजन। महिला पहलवानों ने दिखाए शानदार दाव पेच, मर्द पहलवानों की लगा दी पटखनी। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने उठाया लुत्फ। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने किया थाना बानपुर का वार्षिक निरीक्षण। अपराध रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर व महिला संबंधी शिकायतों को तत्काल निस्तारित करने के दिए निर्देश। और ललितपुर जिले के एबीएम स्कूल में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात दिग्दर्शिका 2021 का किया गया विमोचन। यातायात नियमों के बारे में दी गई जानकारी। और जालन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोच कोतवाली से घेराबंदी कर पकड़े 2 शातिर बदमाश। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस के साथ चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी हुई बरामद। कोविड-19 महामारी के समय जिला कारागार उरई से रिहा किया गया कैदी हो गया था 9/11। कड़ी मशक्कत के बाद थाना कैरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। महुआ में लाखों रुपए और सोने के आभूषणों की टप्पेबाजी गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। गैंग में शामिल 5 महिला व 5 पुरुष टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। 2.5 लाख की नकदी और 150 ग्राम सोना बरामद। और महुआ में विद्युत विभाग के TG2 के 4 कर्मचारियों पर लगा है लगभग 2.5 करोड़ के गबन का आरोप। उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम का विभाग के ही 4 कैशियर ने किया घपला। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। टीका लगवाने के बाद कहा कोरोना वैक्सीन है देश के लिए सुरक्षा कवच। अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और स्टाफ का जताया आभार। तो वहीं टीकमगढ़ जिले की धर्मनगरी के नाम से विख्यात चंदेरा में 7 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का हो रहा आयोजन। साथ ही लगे भव्य मेले में उमड़ रही हजारों लोगों की भीड़। बाधा के बबेरू में सड़क किनारे किसी अधर्मी महिला ने छोड़ी नवजात बच्ची। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को लेकर पहुंचाया स्वास्थ्य जांच के लिए, बाद में चाइल्ड केयर यूनिट को सौंपा। तो ये थी आज की खास बड़ी खबरें खबर फटाफट में।
कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।